आज मैंने सुबह सुबह रूम छोड़ दिया है, तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर ना बहुत जगह जाना है और बहुत जगह आप लोगों को दिखानी है और एक्सप्लोर करनी है। सबसे पहले दर्शन करेंगे एक बार पुनः नीलकंठ महादेव जी के। और एक दृश्य भी देखने को मिल रहा है यहाँ पर, जब समुद्र मंथन किया गया था, एक साइड से देवता लोग, एक साइड से दानव। देखो कितना मस्त यहाँ पे बनाया हुआ है। इसके पास से ही गेट नंबर 2 से जा रहा हूँ हनुमान जी के मंदिर। और साथ में सुबह से ही मंदिर के आसपास खूब चहल पहल देखने को मिल रही है, खूब भक्तजन देखने को मिल रहे हैं। और वैसे यहाँ पर नरसिंह मंदिर हो गया, माता पार्वती मंदिर, झिलमिल गुफा, गणेश गुफा, ये सभी इसी साइड हैं। कुछ जगहों पर पैदल और कुछ जगहों गाड़ी से भी जाया जा सकता है। आइए नए दिन की शुरुआत करते हैं, आपसे कुछ बात करते हैं। दोस्तों स्वागत है आप सभी का अतुल्य देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत हसीन वादियों में। फाइनली बाबा सिद्ध बली के मंदिर में भी पहुंच चुके हैं। अब चल रहे हैं नीचे नीलकंठ महादेव, जहाँ पे स्वयंभू प्रकट शिवलिंग है। और देखो पार्किंग में सुबह सुबह कितनी ओस पड़ी हुई है, अब अनुमान लगा सकते हो। अभी सुबह के लगभग 9:30 होने को जा रहे हैं। और ये जो सामने पहाड़ देखने को मिल रहा है ना, ये है मणिकूट पर्वत। आते समय तो मैंने मंदिर के पास का व्यू आप लोगों को नहीं दिखाया था, तो जाते समय दिखा देता हूँ। साइड से आप देख सकते हैं प्रसादी की दुकानें लगी हुई हैं, और यहीं पर एक आश्रम भी है और धर्मशाला भी है। रास्ते में भी पड़ती है और मंदिर के जस्ट पास में भी धर्मशाला और आश्रम है। और होटल में जाएंगे आपको जगह जगह रुकने के लिए। ये देखिए यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, जब आप नीलकंठ महादेव मंदिर की ओर जाते हैं तो यहाँ से आपको लेफ्ट जाना है माता मंदिर के लिए और झिलमिल गुफा के लिए। तो अब मैं इस वाले रास्ते चलता हूँ, आगे रोड खराब है पर वीडियो नहीं बनेगी वहाँ पे। यार ये रोड ना इतना ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा। सच बताओ ना, मेरी तो हालत ख़राब हो गई है। और सुबह सुबह ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, और अभी यहाँ पर थोड़ी देर धूप सेकने के लिए मैं रुका हूँ, और अभी मुझे जाना है वहाँ पर। तो आइए थोड़ा बहुत अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ मैं जिस मंदिर में आज सुबह सुबह दर्शन करके आया हूँ कहाँ पड़ता है, क्या है, कैसा है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, यह मंदिर जो है पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। नियरेस्ट ऋषिकेश से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर नीलकंठ महादेव मंदिर नाम से जाना जाता है। यह वही स्थान है जब समुद्र मंथन हुआ था देव और दानवों के द्वारा, तो उससे निकले 14 रत्नों में से एक कालकूट विष का जो विषपान था वो भगवान भोलेनाथ ने किया था। और उस विष का विषपान करने के बाद उनकी ज्वलंता काफ़ी तीव्र हो गई थी, और ज्वलंता को शांत करने के लिए भगवान शिव ने इस पंकजा और मधुमती नदी के संगम समीप पंचपणी एक यहाँ पर वृक्ष है, और इस वृक्ष के नीचे उन्होंने लगभग 60,000 वर्षों तक तपस्या की थी। लेकिन कैलाश पर माँ पार्वती को इस बात की भनकता नहीं थी कि भगवान शिव कहाँ चले गए हैं। माँ पार्वती ने इस कार्य में हनुमान जी को चुना और हनुमान जी को शिव जी की खोज में भेजा। और जब माँ पार्वती को पता चला हनुमान जी के द्वारा कि शिव जी तो यहाँ पर हैं, तो माँ पार्वती भी यहाँ पर आई। और ऐसा माना जाता है माँ पार्वती ने भी लगभग यहाँ पर 30,000 वर्ष यहाँ पर तपस्या किया था। लेकिन माँ पार्वती वहाँ नीचे न जा करके यहाँ एक पहाड़ पर उन्होंने तपस्या की थी, और वो पहाड़ रहा सामने। तो अभी मैं वहीं पर जा रहा हूँ। यहाँ पर अभी मैं दर्शन करके आया था सिद्ध बली हनुमान जी के मंदिर में, तो वहाँ पर भगवान हनुमान जी की पूजा की जाती है। तो आइए यहाँ पर एक झिलमिल गुफा भी है, तो वहाँ पर भी चलते हैं। अभी तो मैं चल रहा हूँ माता के दर्शनों के लिए। अभी मैं वहाँ पर पहुँच चुका हूँ जहाँ से माँ पार्वती मंदिर के लिए जाया जाता है। यहाँ से थोड़ा बहुत पैदल है, ऊपर पर्वत पर है माँ पार्वती का मंदिर। और यहाँ पर एक पौराणिक मंदिर है नरसिंह देवता, तो ये आप देख सकते हैं। और यहाँ से फिर आगे झिलमिल गुफा की ओर जाना है, तो आपको लेफ्ट कटना है, तो ये रास्ता वहीं जाएगा। और यहाँ राइट से जाएगा सीधे नीलकंठ महादेव के लिए जाएगा ना श्रीमान ये रास्ता। अच्छा, तो अब मैं निकल चला हूँ मंदिर में दर्शनों के लिए, एंड उसके बाद फिर चलेंगे आगे। झिलमिल गुफा भी आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। अब मैं
निकल चुका हूँ झिलमिल गुफा की ओर। तो मुझे पता चला यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर है और ऐसी रोड में तो वीडियो बनाना पॉसिबल ही नहीं है। गुफा रही सामने वाले पहाड़ पे और यहाँ से क्या सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है, पूरा हरिद्वार और ऋषिकेश। ये देखो ऋषिकेश इधर है और हरिद्वार इधर, सब देखने को मिल रहा है यहाँ से। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक तो गांव की ओर जाता है और लेफ्ट हैंड वाला जाएगा झिलमिल गुफा की ओर। वैसे आप पैदल आते हैं तो पैदल वाले रास्ते में भी जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं और गाड़ी वाले रास्ते में भी लगे हुए हैं। यहाँ तक पहुँचने में हालत ख़राब हो गई है, यहाँ पर एक मंदिर भी बनाया जा रहा है अभी और मैं झिलमिल गुफा में पहुँच चुका हूँ। चारों तरफ घना घना जंगल है ना, पूरा देखो चारों तरफ घना जंगल एकदम, और यह कोठार गाँव के पास में पड़ता है। पेड़ों की झुरमुट के बीच में ये रही गुफा जो कि मेन गुफा है, झिलमिल गुफा सही बोलते ना भाई जी, झिलमिल गुफा। और यहीं जस्ट पास में दो गुफाएं और हैं सामने, ये देखो यहाँ से आया, यहाँ पे दर्शन करिए और ऊपर देखिए यहाँ पर खुला है पूरा ये, वाओ। गणेश गुफा, तो यहाँ रही गणेश गुफा। जो झिलमिल गुफा है वो सामने पेड़ों की झुरमुट में है और यहाँ पर एक आपको होटल भी मिल जाएगा यदि आप लोग भोजन लंच डिनर शाम को रुकने की भी व्यवस्था हो जाती है अंकल जी। अच्छा 300 रुपए में। अच्छा 300 रुपए पर नाइट, खाना और सोना, खाना और सोना 300 रुपए में। ये रही गणेश गुफा, ये देखिए इस पहाड़ पे जो है गणेश जी स्वयं प्रकट हुए हैं और सामने जो आप मूर्ति देख रहे हैं ये पहाड़ से सटी हुई है, ये पूरा पहाड़ है तो ये स्वयं प्रकट हुए यानी स्वयंभू जिसे बोलते हैं। गणेश गुफा है। अच्छा गणेश गुफा है, पूरी पहाड़ी, पूरी पहाड़ी गणेश गुफा है यानी। अच्छा। ये देखो हाँ। ये स्वयं अपने आप ही ये गणेश जी हाँ इसमें है, जैसे ये हाँ ये जी बिल्कुल ऊपर है, फिर ये इधर है हाँ, ये सेम है यहाँ। खुद ही आप अगर गौर से देखेंगे ना खुद ही आप लोगों को पता चल जाएगा, मतलब खुद ही आकृति बनी हुई है उस पे है हाँ, ये सब हाँ। मतलब इसी तरीके का है। अब मैं वापस आ चुका हूँ तो सबसे बड़ा टास्क तो यही है कि इस रास्ते जाया कैसे जाए, बट फिर भी जाना तो यार कोशिश करते हैं। अब मैं नीलकंठ महादेव से नीचे उतर आया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ सीधे कुंजापुरी साइड में जो कि ऋषिकेश से भी ऊपर पड़ता है लगभग, मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं है, मतलब कि ऋषिकेश से थोड़ा दूर ही है। और जब आप नीलकंठ महादेव को जाते हैं ना तो रास्ते में आपको ये लोकेशन भी देखने को मिलेगी, ये वो डेस्टिनेशन है जहाँ पर आप ना नाइट कैंपिंग की पूरी फीलिंग ले सकते हैं, मतलब अगर आपको रात को इंटरटेनमेंट एंजॉय करना है ना आपके लिए बिल्कुल बेस्ट जगह है, बिल्कुल बेस्ट ही नहीं सुपर बेस्ट है। चारों तरफ पहाड़ हैं और नदी के किनारे ये बना हुआ है। तो मैं आप लोगों से जाते समय बोल रहा था ना कि यहाँ पर मैं रुकूँगा जहाँ पर बोलते हैं गरुण चट्टी, तो यहाँ से एक रास्ता जाता है हरिद्वार के लिए और एक रास्ता जाता है नीलकंठ महादेव मंदिर के लिए। तो ये रहा सामने गरुण चट्टी में भगवान गरुण जी का मंदिर, तो आइए यहाँ पे दर्शन करते हैं और आप लोगों को यहाँ की जो महत्वपूर्ण जानकारी है ना उससे अवगत कराते हैं कि यह स्थान क्यों मतलब प्रसिद्ध है और यहाँ पे क्या विशेष मान्यता है। तो आइए थोड़ा बहुत पंडित जी से जानते हैं। कहा गया है प्राचीन काल पूर्व यह मंदिर बना हुआ है, चार धाम से पूर्व यहाँ के दर्शन माने गए हैं। यहाँ से चार धाम की यात्रा जो जाती थी पैदल यात्रा जाती थी, तो कहा गया है कि इसमें जो यहाँ से दर्शन करने के बाद यहाँ 84 चट्टियाँ पड़ी थी, 84 चट्टियों में ये पहली चट्टी पड़ती गरुड़ चट्टी के नाम से जानी जाती है, भगवान गरुड़ जी का साक्षात दर्शन आप देख सकते हैं। आगे पड़ती फूल चट्टी के बाद मोहन चट्टी, मोहन चट्टी के बाद महादेव चट्टी, महादेव चट्टी के बाद हनुमान चट्टी, ऐसे करके 84 चट्टियाँ हैं। उनको पार करता हुआ आदमी चार धाम की यात्रा पूर्ण करता था, पहला विश्राम करते हुए आगे बढ़ते थे। तो कहा गया कि वृद्ध लोग ही चार धाम यात्रा का फल प्राप्त करते थे पूर्व में, अभी तो कोई भी चले जाता है गाड़ी से, चौपर से, आदि से कोई भी चला जाता है। घर से यही कह के जाते थे बच्चों के अपने कि हम भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं, आगे तो ठीक है, इतने समय में नहीं आए तो समझ लेना कि भगवान को प्राप्त हो गए, ऐसा होता था। तो आगे बढ़ते थे, आगे बढ़ते तो भगवान का वरदान है, कहा गया है कि अगर उसको चार धाम यात्रा अगर ना भी कर पाए, किसी का शरीर बीच में छूट जाता था, उसका शरीर शांत हो जाता, तो भगवान के एक तो उसको भगवान का साक्षात धाम प्राप्त हो जाता था, भगवान का धाम प्राप्त हो जाता था,
और दूसरा कहा गया है कि उसको चार धाम की यात्रा का फल प्राप्त होता था। दूसरा कहा गया है कि जब राम जी को लक्ष्मण जी को नागपांच शक्ति लगी थी, भगवान गरुड़ जी ने उनको नागपांच शक्ति से मुक्त किया था, तो भगवान राम जी ने गरुड़ जी से बोला वरदान मांगे आप, प्रभु आपने इतना हमें नागपांच शक्ति से मुक्त किया, आप वरदान मांगे। तो भगवान ने गरुड़ जी ने बोला कि मुझे वरदान तो कुछ नहीं चाहिए भगवान, मैं बस मुझे यही वरदान दीजिए कि मैं आपका नाम सुमिरन करता रहूं, आपका जप मैं करता रहूं, पूजन करता रहूं। तो भगवान ने बोला ये तो मेरा ही स्वार्थ है, इसमें अपने लिए क्या मांगना, अपने लिए मांगो आप। अच्छा। तो गरुड़ जी ने बोला कि नहीं, मैं अपने लिए तो कुछ नहीं मांगूंगा प्रभु, आप अपनी इच्छा से जो देना चाहें दे सकते हैं। तो भगवान ने कहा कि कलि काल में जिस किसी कुंडली में काल सर्प दोष, पितृ दोष, शनि का राहु केतु का दोष आएगा, वो आपके चरणों में पूजे जाने से वो शांत हो जाएगा, और आपका भी पूजन होता रहेगा, मेरा भी नाम जप होता रहेगा। यही यहाँ की कहानी कही गई है। तो इसलिए क्या है, यहाँ पर कहा गया है कि पूजन ही नहीं, परिक्रमा करने से, दर्शन मात्र से ही उसके पाप नष्ट होते हैं। बोले जिसके दोष होता है काल सर्प का या पितृ दोष होता है, तो उनका कहना है कि भगवान यहाँ पर आकर चरणों का स्पर्श करें, प्रणाम करें और परिक्रमा करके, चार परिक्रमा करें और भगवान का नाम स्मरण करते हुए घर जाए, तो उसके कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। अब मुझे यहाँ से जाना है कुंजापुरी मंदिर के लिए, और मुझे पता चला है यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर है। अब देखो कितना टाइम लगता है ये पता नहीं, अब नॉन स्टॉप ड्राइव करते हैं। कुंजापुरी मंदिर जाने के लिए मैं हरिद्वार वाले रास्ते में नहीं जाऊंगा, यहाँ से इस वाले ब्रिज को क्रॉस करके फिर आगे चले जाएंगे तपोवन, तो तपोवन से आगे कुंजापुरी की ओर। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद देखा, यहाँ से तो पूरा ऋषिकेश का व्यू देखने को मिल रहा है। देखो माँ कुंजापुरी के चरणों में जो नरेंद्र नगर बसा हुआ है, तो वहाँ तो मैं पहुँच गया हूँ। वाव, ये कितना मस्त लग रहा है यार। वाव, सारी दुकानें देखो कितनी लाइन से हैं। यहाँ पे कुछ खास नहीं है नरेंद्र नगर में, एक ऊपर किला बताया किसी ने, तो वो किला जो है अब होटल में बदल दिया गया है। यहाँ पर मैंने गाड़ी को पार कर दिया है, अब यहाँ से थोड़ा बहुत पैदल है, तो आज भी मुझे पूरी तरह से शाम हो गई है, अंधेरा होने वाला है। अभी इस रास्ते आया था, अब इस रास्ते जाना है, पार्किंग एरिया रहेगी सामने। ये भी उन सिद्ध पीठों में से एक सिद्ध पीठ है, अब आज तो दर्शन नहीं हो पाएंगे, अब कल ही दर्शन हो पाएंगे। अब देखो यहाँ से सीढ़ियाँ हैं यार ऊपर जाने की, तो चलो भैया यहाँ से चलते हैं। और ये देखो कितनी सीढ़ियाँ हैं ऊपर तक, सब सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ।